आजादी के 70 साल बाद पाकिस्तान को पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर मिली है। बिलावल भुट्टो की नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के टिकट पर कृष्णा कुमार कोहली पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीनेटर चुनी गई हैं। कृष्णा का बतौर सीनेटर चुना जाना पाकिस्तान में महिला एवं अल्पसंख्यकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले पीपीपी ने रत्ना भगवान दास चावला को सीनेटर के तौर पर चुना था। कृष्णा सिंध प्रांत के थार स्थित सुदूरवर्ती नगर पारकर जिले की रहने वाली हैं। कृष्णा का जन्म 1979 में किसान गरीब जुगनू कोहली के घर हुआ था। कृष्णा एवं उनके परिवार के सदस्य तकरीबन 3 साल तक उमरकोट जिले के कुनरी स्थित अपने जमींदार के स्वामित्व वाली निजी जेल में रहे। जब वो कैद में थे उस वक्त कृष्णा तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। महज 16 साल की उम्र में कृष्णा का विवाह लालचंद से हो गया। उस वक्त वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साल 2013 में उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में मास्टर की डिग्री ली। कृष्णा ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपने भाई के साथ पीपीपी में शामिल हुई और बाद में यूनियन काउंसिल बेरानो की अध्यक्ष चुनी गई। 2018 में वो पाकिस्तान की सीनेट में जाने वाली पहली दलित हिंदू महिला बनी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।